सही चलता जोश के साथ। और जो ये नौजवान साथी है ये एक जगह हर एक के साथ ईमानदारी वफादारी और अंतिम सबसे पहले पूरी की तारीख में एक अहम दिन की हैसियत है कि अगर 370 और 35 को कोई वापस ला सकता है वो खाली सुप्रीम कोर्ट। ये झूठ बोलते हैं। मैं आज आपको यहां से कहता हूं और वादा देता हूं, आपके सामने वादा देता हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपके सामने मेरी इज्जत कम हो। मैं वादा देता हूं अगर ये लोग हमें रोड मैप बताएंगे कि 370 और 35 को लाने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन इनका एक ही रोड मैप है, 370 और 35 वापस लाना नहीं, अपना इख्तदार वापस लाना। और उसके लिए आज ये मिले हैं। कल तक जो ये एक दूसरे को गालियां निकालते थे, आज कहते हैं भाई हमें मिलना पड़ेगा, इसलिए इख्तदार के लिए, 370 के लिए नहीं। मिले ना डीडीसी इलेक्शन में, मिले, यही नहीं मिले, सब मिले। उस दिन कांग्रेस ही इनके साथ मिल गए, आगे भी ये लगता है कि सब मिलेंगे, क्यों इनकी इख्तदार इनका हो गया है। मुझे बताए ना, अगर इनका मिलना 370 और 35 को लाने के लिए, तो लोगों को बताए ना रास्ता क्या है लाने का। इतनी बारिश मैं यहाँ आए और हमें सुना, मैं आपके वसातत से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि ये जो कारवान हम आगे यहाँ उड़ी से आज शुरू किया है, इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकालें जिस मुसीबत में हम पिछले 4 साल से हैं। अल्लाह के फजल से मैं आज लोगों का जो जोश मैंने देखा है, मुझे लगता है कि आने वाला कल अपनी पार्टी का। शुक्रिया। तैयारी है सर, ये बिल्कुल बिल्कुल।